वजह यह है कि धन अंदर समाया ही है, सब बाहर में ही रहता है, सब बाहर में ही बातचीत हो रही है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार का, इसमें मनुष्य को कितने लाभ हो सकते हैं उसका तो मैं वर्णन ही नहीं करता। मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित कि इसके इतने लाभ इतने जल्दी लोगों को हो रहे हैं। तो लोगों ने कभी इधर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इधर कोई संशोधन ही नहीं किया कि चलो इस तरह से ये कार्य हो सकता है। इसके बारे में अपने शास्त्रों में अनादि काल से लिखा गया। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुंडली का जागरण जो है उसका वर्णन हर जगह था, लेकिन इसे कोई कर नहीं पाया। लेकिन कहा जाता है कि राजा जनक ने एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और फिर बारहवीं शताब्दी तक एक गुरु एक ही शिष्य को जागरण किया। ऐसी ही परंपरा थी। बारहवीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपनी भाषा में पहली मरतबा इसके बारे में, इससे पहले सब संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और संस्कृत भाषा में कोई समझ नहीं पाते थे क्या था। जो समझे थे वो एक ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार दे। ज्ञानेश्वरी जी ने जब अपनी ज्ञानेश्वरी इसके बारे में लिखा छठे अध्याय में, कुंडलिनी इस तरह से होती है और वो जागरूक होकर के ही योग को घटित करती है, तब धर्म मार्तंड ने सोचा कि ये तो अपने बस का नहीं, तो अच्छा तुम ज्ञानेश्वरी तो पढ़ो लेकिन ये जो छठा अध्याय ऋषि है इसे न पढ़ो। इस प्रकार वो भी चीज वही खत्म हो गई। यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में तो किसी ने कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था। शुरू शुरू में जब कुंडली की बात करती थी तो कुंडलिनी की बात करती थी तो हम सोचते मैं कुंडली की बात कर, इसमें और उसमें बहुत ही अंतर है। लेकिन कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है, ये सब जगह लिखा हुआ था और उसको जागरूक करने के बारे में भी लिखा, किंतु उसकी जागृति बहुत ही सीमित। आज ऐसा समय आ गया है कि हजारों में ये जागरूक हो और होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न हो मनुष्य में ये विशेष उसकी जो शक्तियां वो प्रकटित न हो तो मनुष्य नष्ट हो। उसके अंदर इतनी शक्तियां निहित है, इतनी शक्तियां छिपी हुई है कि उसकी जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम अमी बात से इंसान बने और इंसान से अब थोड़ा सा मार्ग और चलना जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार हो जाए। उसके प्रकाश आत्मा के प्रकाश में हमें अंतर दिखाई देगा कि हम क्या थे और अब क्या। पहले तो आपको जिसे विचार समाधि कहते हैं वो प्राप्त, माने आप दिमाग में विचार हर समय मंडराते रहते हैं, उसकी जगह एक शांति प्रस्ताव, जैसे कि एक विचार उठता है और फिर गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है और गिर जाता है, और हम लोग उस विचारों के ऊपर पूछते हैं। विचार या तो भविष्य से आता है और या तो भूतकाल से, पर अगर हम कहें कि वर्तमान में आप बैठे और बैठे हैं और वर्तमान ही अच्छी है, भूतकाल खत्म हो गया और भविष्य जो है वो कोई जानता है, इसलिए आज तो एक क्षण है, हर क्षण एक क्षण जो है यही असली है, यही वास्तविकता है, इसमें हम ठहर नहीं पाते। इसलिए आत्म साक्षात्कार में जब कुंडली का जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं ज्ञान के, और उसके बीचों बीच की जो जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वहां पर वर्तमान वहां आपका चित्त ठहर जाता है, उससे आपके दिमाग में एकदम से खुलापन आता है, कोई विचार एकदम खुलापन आता है, जैसे कि बुद्ध ने कहा है एम्प्टी माइंड, वो आने के बाद
मनुष्य की दूसरी दशा होती है, जिसको कि हम कहते हैं एक स्थिति है कि जिसे निर्विकल्प समाज कहते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा आप अपना कनेक्शन जब ठीक कर लें, इसको पूरी तरह से बना लें और अटूट हो जाए, उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि अपने आप आ जाती है। और ये निर्विकल्प समाधि का मतलब होता है जहाँ की मनुष्य को कोई भी इसके बारे में शंका नहीं है और उसकी सब शक्तियां फिर रहना शुरू अंदर और बाहर। अंदर आपको आत्मबोध हो जाता है, आप अपने चक्रों के बारे में अपने उंगलियों पे जान सकते हैं, इतना ही नहीं अंदर आपको शांत होता है, पूर्णतः आप शांत हो। जैसे कि एक चक्का है वो घूमते रहता है और उसका जो मध्य बिंदु है वो स्थिर हो, वो अगर स्थिर न हो तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसी प्रकार आपका जो दिमाग ये चारों तरफ घूमते रहता है वो जाकर के आपके मध्य बिंदु पर टिक जाता है, एक्सिस पे टिक जाता है, वहां से आप सब चीज देखते हैं, लेकिन आप शांति से सब चीज देखते हैं। देखना मात्र होता है, उससे आप घबराते नहीं और इतनी शक्ति आ जाती है कि जब आप उसे देखते हैं उस देखने से ही वो प्रश्न वो तकलीफें अपने आप दूर हो जाती। जैसे कि समझ लीजिए आप पानी में खड़े हैं तो पानी के बहाव में आपको डर लगता है, लहरों से लहरें उठे, लेकिन अगर किसी तरह से आप नाव पर चढ़ जाए तो आप उन लहरों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप तैराक हो जाए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। तो उसी दशा में उसी स्थिति में आप स्वयं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ आप दूसरों का भी दिया जला है, आपका दिया जला है और वो स्थित हो गया, वो स्थिर हो गया, उसके बाद आप दूसरों का भी दिया जला, दूसरों को आप जागृति दे सकते हैं, उनकी भी तबीयत आप ठीक कर सकते हैं, उनको मानसिक शांति दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, आध्यात्म की जो चरम सीमा मानी जाती है वो है आनंद, उस आनंद को भी मौका, और इस आनंद को पाने के लिए फिर आदमी बाकी के जो बेकार की चीजें हैं जिसमें कि भोग से मिलने वाला सुख है उसे छोड़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़िए, अपने बीवी बच्चे छोड़िए, कोई चीज ऐसी छूटती नहीं, लेकिन जो बेकार की चीजें हमारे साथ जुटी हुई है वो अपने आप छूट जाती है। और गृहस्थी में भी, पति पत्नी में भी और बच्चों में भी एक बड़ा सामंजस्य और एक बड़ा मधुर सा रिश्ता आपस में होता है। ऐसे अनेक आज संसार में कुटुंब है जो कि सहयोग में आने के बाद बहुत ही सुचारू रूप से आपस में रहे, और बड़े आश्चर्य की बात कि ये इतने सहज में सारी बात है। मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, जैसे संतों ने कहा कि शराब मत पियो, किसी ने कहा सिगरेट मत पियो, किसी ने कहा ये मत करो वो मत करो, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ बस इनकी कुंडलिनी जागृत करो, थोड़ा सा प्रकाश इनके अंदर आने दो, ये अपने ही आप सब छोड़ देंगे और वास्तविक नहीं बात, और फिर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही को समझने लगते हैं, आप अपने ही को दूर से देखते हैं और जानते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है, छोड़ दे। इतना ही नहीं, आपको इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी चीज की इच्छा करें वो तत्काल उसी तत्क्षण पूरी हो जाती है। ऐसे भी हमने कुछ सहयोग देखे हैं कि उन्होंने एक बार से इच्छा करी और उसके कारण पता नहीं कैसे उनकी इच्छा में इतनी शक्ति थी कि कार्य एकदम उसी वक्त हो। पर आप जब आत्म साक्षात्कार होते हैं तब आपके विचारधारा भी बदल जाती है, आपकी मांगे बदल जाती है, और एक अजीब आनंद के सागर में सब लोग पूरी तरह से आनंद से रहते हैं। दूसरी उपलब्धि इसमें जो होती है वो ये कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं। आज अगर आप जाने तो आप तो अपने बारे में भी नहीं जानते कि आपको क्या बीमारी हो रही है या दिमाग में क्या आपके असर आ रहा है, आप समझ ही नहीं सकते, लेकिन सर्जर के बाद आप फौरन समझ लेंगे कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, कौन सा आपका चक्र खराब,
किंतु आप दूसरों के भी चक्र जान रहे कि दूसरों को क्या करें। अगर आप जान रहे कि ये चक्र किस तरह से ठीक कर लिए तो आप सबकी मदद कर सकते। तो सामूहिक चेतना एक नई चेतना है जो हमारे नसों में आ जाती है, इससे हम जान सकते हैं कि दूसरों की क्या। इस प्रकार इस हाथ को पूरी कल्पना है और कोई इसे तकलीफ हो तो फौरन जानकारी हो जाती है। उसी प्रकार कहीं भी कोई सहयोगी उसको तकलीफ हो जाए सारे विश्व के सहयोगियों को पता हो जाता है और सारे दौड़ करके उसे ठीक हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 25 जर्मन सहयोगी वहाँ पर। हम लोगों को जर्मन के लिए जो कल्पना है वैसे अब सहयोगी बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा सुझे हुए, सबसे ज्यादा नरम दिल और बहुत ही संजोने वाले, बड़े ही प्यारे लोग ये सहयोगी जर्मन। इतने नजाकत से आपसे बातचीत करेंगे कि आप सोचिएगा कि पता नहीं ये पूर्वजन्म से हमारे कौन रिश्तेदार यहाँ पर। वो पहुंचे जर्मनी, जर्मनी से रशिया। कहा कि तुम लोग कैसे चले आए, सब लोग छुट्टियां करके चले। माँ आप नहीं सोचते कि ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे पूर्वजों ने यहाँ जो गड़बड़ की थी उसे हम ही तो ठीक कर सकते हैं, ये तो कौन ठीक कर। ये सुन करके मैं गदगद हो गई। देखिए किस तरह इन्हें ये भावना आ गई है कि रशियन लोगों को जर्मन लोगों ने आके मारा है तो आकर के आज हमारे ही ऊपर इसका उत्तरदायित्व है, इसकी जिम्मेदारी है कि हम आकर के इन लोगों को ठीक करें। इस प्रकार की सद्भावना है जो कि विश्वव्यापी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।